नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम सबरंग में। मित्रों, नदी के विषय में आज मैं सुबह सुबह सोच रहा था। नदी जब अपनी यात्रा की शुरुआत करती है, पहाड़ों से निकलती है, तो वो ये नहीं सोचती कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, किस रास्ते जाऊँगी। वो तो बस शुरू हो जाती है, चल पड़ती है और रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। और चलते चलते आखिरकार वो अपनी मंजिल अर्थात सागर तक पहुँच ही जाती है। इम्पॉर्टेंट है मित्रों जीवन में शुरुआत करने की। हम चल पड़ते हैं, रास्ता अपने आप बनता चलता है। कुछ ऐसा ही है आज का सुंदर सुवाक्य। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का रास्ता ना हो। हिम्मत रखिए, मेहनत करते रहिए, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। लक्ष्य तक पहुंचने से पहले आपको बहुत सारी अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तभी विश्वास रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप भरोसा करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, भले ही घना अंधेरा हो, तभी नए रास्ते बनते हैं। नियति के पास आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने का एक तरीका है। आपको यह पूछने की जरूरत नहीं है कि कैसे। नियत ठीक रखे, काम करते रहे और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े। मन की बात तो हम शुरुआत में ही कर लेते हैं ताकि मन दुरुस्त हो जाए, लेकिन तन का भी दुरुस्त होना नितांत आवश्यक है। मित्रों, आज डॉक्टर साहब हमसे सुंदर बात कर रहे हैं इस विषय पर कि हम अपने हीमोग्लोबिन को कैसे अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसका कम होना भी हमारे लिए अहितकर है। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। खून की कमी होना, भारत में ऐसा पाया गया है कि लगभग 40% जो गांव में रहने वाले स्पेशली माताएं हैं उनको खून कम हो जाता है। एनीमिया उसे कहते हैं, खून की कमी होना। हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आयरन की कमी हो जाती है खून में, और दूसरा प्रोटीन कंटेंट जो है हमारी डाइट में अधिकतर गांव में या शहरों में भी बहुत कम रहता है, क्योंकि ज़्यादा हम गेहूँ खाते हैं और गेहूँ और दाल या गेहूँ और चना, जैसे कहते हैं ना सीरियल्स एंड पल्सेस का एक्यूरेट रेशियो अगर हम लें तो हम प्रोटीन कंटेंट से हमारे फूड में अच्छी मात्रा में हो सकता है और हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो सकता है। और इवन पेट में दूसरे इन्फेक्शन होते हैं वो भी हमारे अंदर खून की कमी कर देते हैं। तो हमें देखना कि हम ऐसे एक तो इस हेलमेंथियासिस पेट में कीड़े से इलाज कराएं और हमारा फूड जो है नरिशिंग फूड हो, जिसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में हो और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में हो। इसके लिए हमें स्पेशली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक है, हरी सब्जियाँ, सेम की फल, दूसरी फलियाँ हैं, वो हम ज़्यादा मात्रा में खाएँ। गाजर है, चुकंदर है, और जैसे ड्राई फ्रूट्स में डेट्स हैं, खजूर है और अंजीर हैं, ये ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। अनार अच्छी मात्रा में ले सकते हैं, और भी नट्स जैसे हैं जो भी नट्स आते हैं, इवन मूँगफली, पीनट का जो बटर है वो भी ले सकते हैं। और पीनट की जो मूँगफली खाने से भी हमारा आयरन और हमारी प्रोटीन दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो वो हम अच्छी मात्रा में लें। और अपने लिए एक प्लेट सलाद, मतलब मिक्स उसमें डिफरेंट तरह के सलाद, डिफरेंट तरह की सब्जियां, कलरफुल प्लेट एक ब्रेकफास्ट के पहले लें, एक लंच के पहले लें, इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी हों, तो एक अच्छा बहुत अच्छा साधन है हमारे अंदर अच्छी मात्रा में। और फ्रूट्स भी, अगर जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो भी हम 11 बजे और 4 बजे खाना नाश्ते के 2 घंटे बाद, लंच के 2 घंटे बाद अगर डेली लें तो हमारा जो है ये रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। इसे हम मिसी रोटी कहते हैं, गेहूं और चना, लगभग 4 किलो गेहूं 2 किलो चने के रेशो में अगर आटा पिसवा लें तो आपकी प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है, जिससे कभी भी आपको हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा। दोस्तों, याद रखें, अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाएं और अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा करके और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं और देश के एक स्वस्थ एवं खुशनुमा नागरिक बने। ओम शांति। मित्रों, इस संसार में कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व होकर जाते हैं जिनके लिए हमारा हृदय कहता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा आप हमारे हृदय में रहेंगे। उन्हें देख
देखकर, उनकी बातों को सुनकर, सोचकर हम प्रेरित होते हैं, उत्साहित होते हैं। जब कभी मन निराशा से घिरने लगता है, उनकी बातें हमारे अंदर आशा का संचार करती हैं। जब कभी हम संसार की ओर देख करके बहुत उदास हो जाते हैं कि संसार का क्या होगा, लोग कहाँ जा रहे हैं, तब ऐसे दिव्य व्यक्तित्वों का जीवन हमारे अंदर एक ऐसी प्रेरणा का झरना प्रवाहित करता है जो फिर से हम पुनः प्रकाश की ओर देखने लगते हैं। ऐसी ही एक दिव्य महान विभूति थी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी गुलजार जी। अपने नाम के अनुरूप ही दादी जी सबके जीवन को गुलजार करने वाली थीं, सबके दुख हरने वाली थीं, सबको सुख देने वाली थीं और सबके अंदर आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हुए सबको ईश्वर से मिलाने वाली थीं। ऐसी दिव्य विभूति जिनका पूरा जीवन मानव सेवा अर्थ समर्पित था, आइए उनके जीवन पर एक सुंदर नजर डालते हैं और प्रेरित होते हैं उनके दिव्य व्यक्तित्व से। दादी हमेशा इतनी गंभीर रहती थी और गंभीर रह के हर कार्य करती थी और दादी बहुत कम बोलती थी। ऐसे नहीं कि सब बहुत बाचा में आए, ऐसे दादी का वो नहीं था, किंतु दादी गंभीर रह के बहुत कुछ कह जाती थी। और दादी के सामने कोई भी व्यक्ति आता था और संतुष्ट होके जाता था। और दादी कई समस्याएं भी सबकी आती थी, किंतु दादी के सामने वो समस्या सब शांत हो जाता था। करना चाहे दीदार फिर से हम एक बार, आ जाओ प्यारी दादी। कि जब हम दादी की सेवा कर रहे थे, उनके इलाज में हम थे, दादी इतनी बड़ी लीडर ये ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की रही हैं, पर कभी मुझे या कोई भी ट्रीटिंग डॉक्टर्स को कभी इस बात का एहसास नहीं होता था कि हम कोई इतने महान इंसान की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सार कभी अव्यक्त होना, और मुझे मालूम है ये भी जादू का खेल है। बाबा हम ब्राह्मणों का भी आह्वान कर रहे हैं कि हम भी जल्दी जल्दी उड़ के पहुंचे। बाबा के म्यूजियम में दर्शक न आवे ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम्हारी कमी क्यों, दादी कहते थे बैठ रहे हो यहाँ पर, म्यूजियम में बैठे हो ना, बातें नहीं करो। हम कन्याएं थी, आपस में बातें करते थी, दादी कहते थे बातें नहीं करो, आत्माओं का आवाहन करो। कभी फ्री बैठा हमने उनको नहीं देखा, एक सेकंड के लिए भी। कभी भी फ्री होती तो अपना फटा हुआ कपड़ा लेकर के उसको सिलाई करने बैठ जाती। तो गुलजार दादी जी भी जैसे बाबा ने कहा हुआ, चत्तियां लगाओ लेकिन फटा हुआ कपड़ा ना पहनो। लौट के आजा मेरे नींद, आ लौट के आजा मेरी नींद, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। कितना जादुई करिश्माई, आध्यात्मिक और हृदय में उतर जाने वाला व्यक्तित्व दादी गुलजार जी का, जिनका चेहरा ही सचमुच हम सबको एक नया जीवन देने वाला है और जिनका व्यक्तित्व कृतित्व युग युगांतर तक हम सबके जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला है। दादी जी की तरह ही आज हम महकती यादों में एक ऐसी दिव्य आध्यात्मिक विभूति को याद कर रहे हैं। 11 मार्च का दिन, आदरणीय दादी चंद्रमणि जी।
जो कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आधार स्तंभों में से एक रहे, जिन्हें शेरनी शक्ति के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने अध्यात्म को जन जन तक पहुंचाया, जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से अनेक आत्माओं को प्रेरित किया। महकती यादों में आइए आज उनकी सुंदर यादों से अपने जीवन को सुवासित करें। ओम शांति। दादी चंद्रमणि जी अलौकिक इतिहास के गगन में चमकती हुई चंद्र की भांति थी। आपको बाबा पंजाब की शेर कहती थी। आपकी भावनाएं बहुत निश्चल थी। आप सदा गुणग्राही, निर्दोष वृत्ति वाली, सच्चे साफ दिल वाली, निर्भय शेरनी थी। आपने पंजाब में सेवाओं की नींव डाली। आपकी पालना से अनेक अनेक कुमारियां निकली, जो पंजाब तथा भारत के अन्य कई प्रांतों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही। दीदी जी के अव्यक्त होने के बाद आप संयुक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में नियुक्त हुई और दादी जी के साथ सहयोगी बनकर यज्ञ के हर कारोबार को सुचारू रूप से चलाया। ज्ञान सरोवर परिसर की आप डायरेक्टर बनी। आपने 11 मार्च 1997 को अपनी पुरानी देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ले ली। दो महान आध्यात्मिक व्यक्तित्वों को आज हमने देखा, उनके जीवन से प्रेरित हुए न केवल हम लेकिन लाखों ब्रह्मावत्स जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनसे प्रेरित होते हैं और उन्हीं की तरह जन जन को शिव संदेश देने के दिव्य कर्तव्य में लगे हुए हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भी अभी हम मना करके आए हैं और इस पर्व के निमित्त ब्रह्मा कुमारीज के केंद्रों में बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम हुए, जिनके माध्यम से सभी को परमात्मा शिव का संदेश दिया गया। आइए देखते हैं पीस न्यूज हाइलाइट्स में। ब्रह्म कुमारी संस्था के लाखों सदस्यों ने देश भर में इस 86वीं शिव जयंती को अलग ही रूप में मनाया। अब आप देख रहे हैं मुंबई के मलाड में, जहां अलग अलग जगहों पर आयोजित हुए कार्यक्रमों में कई टीवी और फिल्म कलाकार पहुंचे। नाटक के बांगरपेट, बेलगावी, बेंगलुरु के बसवानागुड़ी, बोटीगेरे, संजय नगर, कुमारा पार्क की तस्वीरें, गुजरात के राजकोट सिटी के पंचशील, अवधपुरी, राजनगर, रवि रत्ना पार्क और शास्त्री नगर की देखिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, कोरबा, राजीव, अंबिकापुर, वैकुंठपुर, भाटापारा, बिलासपुर के टिकरापारा और दुर्ग के केलाबाड़ी में आयोजित हुए कार्यक्रमों की झलकियां, जहां बिलासपुर और अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में 40 फीट ऊंचा शिवलिंग आकर्षण का केंद्र रहा। चलिए अब झलकियां राजस्थान के कोटा, पिलानी, जयपुर के सौडाला और उदयपुर में हुई सेवाओं की। जन जन तक पहुंचता हुआ सुंदर शिव संदेश। सचमुच हमारा देश अध्यात्म प्रधान देश है और अध्यात्म हमारी रगों में है, हमारी नींव में है, और यदि इसे हरेक व्यक्ति अपने जीवन का आधार बना ले तो कभी भी व्यक्ति निराश ना हो, कभी भी व्यक्ति हताश ना हो, क्योंकि अध्यात्म हमें मुस्कुराना सिखाता है, अध्यात्म हमें जीवन जीना सिखाता है। और जैसे हमने शुरुआत ही की थी कि चलते रहो मंजिल की ओर, रास्ता बनता चलेगा, अध्यात्म वो संबल है मित्रों जो हमें बल देता है, शक्ति देता है, विश्वास देता है, उत्साह देता है। तो क्यों ना हम भी इसे अपने जीवन का आधार बनाकर आगे से आगे बढ़ते चलें। आप अपनी मंजिल पर शीघ्रतापूर्वक पहुंचें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।